अन्य सब बेच दी। बोले राशन, बोले राशन कहां से लाते, कहां से लाते, गन्ने बेची तो फिर पैसा आया। बोले पैसा तो नहीं आया, फिर गन्ने बिके कैसे, बेच के ही तो पैसा आता है, गन्ने बिक भी गए पैसा नहीं आया। बोले हाँ गन्ने तो बिक गए लेकिन पैसा तो किसी ने दिया नहीं। बोले क्यों, बोले गन्ना उठाए और चले गए, उठाए चले गए, तुमने मांगा नहीं। बोले हम क्यों मांगते, अरे उन्हें नहीं पता हम गन्ना इनका ले जा रहे हैं तो इन्हें पैसे दे दे, जब उन्हें नहीं मालूम तो हम क्यों मांगे। अब तो बड़ी नाराज, दो दिन से भूखी पत्नी, गुस्सा के मारे परेशान, जब बोले ही नहीं, बार बार पूछा क्या कहे भाई, बात तो बताओ, नहीं बोले तो गन्ना छीना हाथ से और घुमाया, एक कमर में दिया, गन्ने के दो टुकड़े हो गए। गन्ने के जब दो टुकड़े हो गए तो हंसने लगे, वो वाह वाह पत्नी हो तो ऐसी हो, पत्नी किसी को मिले तो ऐसी मिले। अब तो वो आश्चर्य में पड़ गई, बोले हमने तो गुस्से में इनके इतने कस के कमर में गन्ना मारा और ये कहते हैं वाह वाह पत्नी हो तो ऐसी हो और पत्नी मिले किसी को तो ऐसी मिले। बोले हाँ, अरे वो पत्नी क्या जो मन की बात ना जान पाए। बोले महाराज हमने कौन सी मन की बात जान ली। अरे बोले तूने तो मन की बात जान ली, क्या जान ली। बोले जब किसी ने हमें पैसा नहीं दिया, एक गन्ना बचा, तो हमने ये सोच करके उठाया कि जब कुछ नहीं मिला और कल भी कुछ नहीं जल पी करके लेट गए तो ये गन्ना ले जाएंगे, इसके दो टुकड़े करेंगे, आधा हम खाएंगे आधा तुम्हें खिलाएंगे, जो हम करने वाले थे वो तुमने कर दिया, तो तुमसे अच्छी पत्नी कौन हो सकती है, कौन हो सकती है। जो अवगुण से भी गुण ढूंढ ले, जो अवगुण में भी गुण ढूंढ ले वही संत है, जो क्लेश में भी सुख ढूंढ दे वही संत है। आज आत्मदेव सब प्रकार से संतुष्ट था लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। जब संतान कोई नहीं हुई तो बड़ा परेशान हो गया, तो संतान को प्राप्त करने के लिए आत्मदेव ने जितना धन था वो सब खर्च कर दिया उसको संतान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कोई संतान जब नहीं हुई आत्मदेव की तो घर छोड़ दिया आत्मदेव ने, और घर छोड़ करके वन में पहुंचा और एक सरोवर पर, एक तालाब पर जाकर के जल पिया और वहीं पर वृक्ष के नीचे बैठ गया। उधर से एक संत निकले और जैसे उसके सामने से निकले तो आत्मदेव उनके चरणों पर गिर पड़ा। बोले महाराज आप संत हैं और संत का जन्म ही दूसरे के दुख को हरण करने के लिए होता है, उसका दुख दूर करने के लिए होता है। महाराज हम तब तक नहीं आपके चरण छोड़ेंगे जब तक आप हमारी इच्छा नहीं पूरी कर देंगे। तो सन्यासी ने क्या क्या चाहते हो बताओ भाई, क्यों पकड़े हो। बोले महाराज हम पुत्र चाहते हैं। तो संत ने कहा बेटा हमने अपने योग बल से तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को पढ़ लिया है, तुम्हारे सात जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, और जब सात जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है तो हम कैसे पुत्र दे सकते हैं। तो आत्मदेव ने कहा महाराज संत में भगवान के लेख को भी मिटाने की क्षमता है, इसलिए हम चरण तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें संतान देने का वचन दे दोगे। संत ने बड़ा समझाया आत्मदेव, पुत्र से कभी सुख नहीं मिलता है, पुत्र सुख की गारंटी नहीं हो सकता, सुख की गारंटी तो उस व्यक्ति के कर्म होते हैं। दूसरी बात आत्मदेव तुम कहते हो कि पुत्र नाम चलाएगा, ध्यान रखना किसी का पुत्र नाम नहीं चलाता, नाम तो उसके कर्म चलाते हैं। राम का नाम राम के पुत्रों ने नहीं चलाया, राम के कर्मों ने चलाया, राम के पुत्रों ने राम का नाम नहीं चलाया। इसलिए आत्मदेव जीव के कर्म उसका नाम चलाते हैं, जीव के पुत्र नहीं चलाते हैं। और यदि कुपुत्र हो गया तो क्या करोगे, कुपुत्रो दुख दायक, और कुपुत्र हो गया फिर क्या करोगे। और उदाहरण दिया कि देखो अंग को बड़ा दुख हुआ था, राजा अंग को इन्हीं पुत्र के कारण ही बड़ा दुख हुआ था, चित्रकेतु का बड़ा को बड़ा दुख हुआ था, इसलिए पुत्र की कामना मत करो, पुत्र के चक्कर में जाने कितनी
दुखी होकर के मर गए हो, जाने कितने दुखी होकर के मर रहे, इसलिए इसमें मत फंसो। नहीं माने। और जब आत्मदेव ने कहा महाराज अगर पुत्र नहीं दोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अब संत आत्महत्या अपने सामने की कैसे सहे? तो सन्यासी ने कहा ठीक कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें एक पुत्र वो देते हैं फल, इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना और उससे कहना कि वो बहुत ही सावधानी से सत्य पर सद्धर्म पर विवेकवान रह करके सद साहित्य पढ़े, भगवान का स्मरण करे, व्रत करे, सद संस्कारों में रहे, यदि वो एक वर्ष तक ऐसा करती है तो उसके एक बहुत स्वस्थ और संस्कारवान पुत्र होगा। संतों की सेवा में प्यारे बहुत ताकत है, भगवान भी संतों के आशीर्वाद से अपने नियम को बदल देता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए जन का मान न टलते देखा। ध्यान रखना, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं। जिस दिन हमें ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा, सारी उलझने, ये तनाव, ये टेंशन, अच्छा सब सेट है, कौन सा सेट घर में नहीं है ये बताओ, सब सेट घर में है बोलो, सोफा सेट, टीवी सेट, डिनर सेट, लेमन सेट, डाइनिंग सेट, सब सेट है, लेकिन दिमाग अपसेट है, सब सेट है लेकिन यही सेट नहीं। बोलो क्या सेटों से फायदा है, बोलो कोई फायदा है बताइए, कोई लाभ? बैठे तो 1 लाख के बेड पर है और मन में आग लगी हुई है, हटो अच्छा हमारे सामने हट जाओ, भी दिमाग नहीं ठीक है, हमसे बात मत करो। प्यारे संसाधन, संसार संसाधन दे सकता है, संसार संसाधन दे सकता है सुख के, लेकिन सुख की भोगने की क्षमता परमात्मा देता है, संसार नहीं दे सकता है। ध्यान रखो, जब तक सुख की भोगने की क्षमता नहीं मिलेगी तब तक सब कुछ बेकार है। फल लिया, आत्मदेव आया घर पे, ला करके उसने अपनी पत्नी को दिया। आत्मदेव तो बाहर चला गया, लेकिन पत्नी ने सोचा कि फल खाऊंगी तो बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगी, मैं कैसे प्रसव पीड़ा सहन करूंगी, मैं कुछ खा पी नहीं पाऊंगी, अच्छा अच्छा मैं उस शिशु का पोषण नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं इस झंझट में पड़ूंगी। यही धुंधली है, यही धुंधली, और कोई नहीं। उसकी बहन आ गई, उसने कहा चिंता क्यों करती हो, अरे कोई बात नहीं, इतनी उलझन क्यों पाले हो, तुम नहीं खाना चाहती मत खाओ, इस फल को गाय को दे दो और हमारे जो संतान होने को उसको तुम ले लेना, और इसके बदले में हमारे पति को कुछ धन दे देना। देखो मैंने क्या कहा, संसार में कोई आपका नहीं है, ये सब सब स्वार्थ के रिश्ते हैं प्यारे, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये शर्तों से जुड़े हैं, ये देयर आर ऑल रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, दोज आर डिपेंड ऑन कंडीशन, सारी शर्तों पर है निर्भर। आप हमें ये देंगे तो हम आपको ये देंगे, एक्सचेंज बोलो,
सभी शर्तों पर, सभी शर्तों से बंधे हुए हैं, और जो जिसकी शर्त नहीं पूरी करता, वहीं से अथ श्री महाभारत कथा परमार्थ की पुरुषार्थ की शुरू हो जाती है। बोलो, कोई किसी से प्रेम नहीं करता संसार में प्यारे, सच्चा प्रेम तो बस एक ही करता है और दूसरा कोई नहीं। तो दूध बहन आई, बहन ने कहा तुम क्यों खाओगी, मत खाओ, इसे गाय को दे दो, इसके बदले में हमारे पति को धन दे देना और हमारा पुत्र तुम ले लो। उसने भी ऐसा ही किया, उस फल को गाय को खिला दिया और जो उसके पुत्र हुआ उसको स्वयं ले लिया और अपने पति को बता दिया कि यह पुत्र हमारे ही हुआ है, यह संतान आपकी है। देखो तो पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य दुंदकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठित न ज्ञातं तदरहस्यं तु केनाप्यविधयोगता गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कित्यकालेन तो जातो तरुणो तनुयाव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी दुंदकारी महाखला। दुंदली ने उस पुत्र का नाम दुंदकारी रखा। दुंदली के कौन उत्पन्न होगा, दुंदकारी होगा और कौन होगा, तो दुंदली ने उसका नाम दुंदकारी रखा। और जो फल गाय को दिया था उसके भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके गो की तरह, गो मीन्स गाय, गाय की तरह उसके कान थे इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा आत्मदेव ने। सने सने बड़े हुए तो दुंदकारी तो महादुष्ट निकला और गोकर्ण बहुत विद्वान। बच्चों में संस्कार किसके जाते हैं बोलो, बच्चों में संस्कार मां के जाते हैं, ध्यान रखना, जैसी मां वैसी बच्चे, सीधी सी बात है, यह विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है। मां के संस्कार बच्चों में जाते हैं, इसलिए मां को चाहिए गर्भकाल में सद साहित्य का अध्ययन करे, सद विचार रखे, सद व्यवहार करे और अपने संतान को भी सद संस्कार दे। यदि आप चाहते हैं कि हमारा पुत्र लक्ष्मण बने तो आपको सुमित्रा बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा बोलो। आप चाहते हैं हमारा पुत्र राम बन जाए तो आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। जिस समय लक्ष्मण वन को भगवान के साथ जाने लगे, लक्ष्मण को तो वनवास मिला नहीं था, वनवास तो राम को मिला था। अगर आजकल की मां होती ना और उसका पुत्र ये कहता कि हम भी बन जाएंगे अपने भाई के साथ, तो उसका हाथ पकड़ती और ले जाती कमरे में, बोला तेरा दिमाग तो नहीं खराब, अरे उन्हें मरने तो जैसे मर रहे, उनका मैटर है, तुम क्यों उसमें बीच में अपने को फंस रहे हो, चलो इधर इधर बैठो, बाहर नहीं निकलना, बोलो, यही कहती ना। लेकिन सुमित्रा क्या कह रही है कि जाना चाहते हो तात राम जानकी के संग, जाना चाहते हो तात राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। क्या बात, जाना चाहते हो तात राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के और जाग जाना पहले ही, जा रहे हो लेकिन ध्यान रखना, राम को सुला के ही सोना लक्ष्मण, सोना तो सुला के और जाग जाना पहले ही,
उनको खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता मानना सदैव सिय राघव को, माता पिता मानना सदैव सिय राघव को, भूल करके पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और दे देना भले ही प्राण रण में, परं दे देना भले ही प्राण रण में, परंतु पीठ राघव को दिखा कर मुह मुझको दिखाना मत। पीठ राघव को दिखा कर मुह मुझको दिखाना मत। अगर लक्ष्मण बनाना चाहती हो तो आपको भी कौशल, आपको भी सुमित्रा बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो फिलॉसफर हुआ अरस्तु, उसने कहा इफ यू गिव मी सिस्टर आइडियल मदर्स आई विल गिव यू ए ग्रेट नेशन। यदि आप मुझे 60 आदर्श माताएं दें तो मैं आपको एक महान राष्ट्र दूंगा। बोलो, चाइल्ड केयर भेजा जा रहा है, चाइल्ड केयर भेजा जा रहा है, बोलो, जिसे मातृत्व नहीं मिलेगा, मां का वात्सल्य नहीं मिला होगा, क्या जानेगा कौन मां होती है बताओ। और उससे अपेक्षा करो कि श्रवण कुमार बनेगा, कभी मत करना। बेचारे का बोतल से जीवन शुरू होता है, तो छोटे पे तो दूध की बोतल वो प्लास्टिक की लगा दी जाती, चूसता पड़ा रहता, तो वो भी फिर कमाल करता है। छोटे पे तो बोतल पीता है दूध की, और थोड़ा और बड़ा होता है तो थम्सअप कोको कोला क्या क्या वो है वो सब पीने लगता है। थोड़ा और जब बड़ा होता है तो बोतल खोलने लगता है, और इसका परिणाम क्या होता है कि अब कहां है, बोले अब अस्पताल में है। क्या हो रहा है, बोले बोतल चढ़ रही है, जीवन बोतल से प्रारंभ और बोतल पर ही खत्म हो जाता है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। धुंधकारी नाम रखा गया, बड़ा दुष्ट हुआ धुंधकारी, माता पिता को मारने लगा, इतना सताने लगा, बालकों को कुएं में फेंकने लगा, घर में अनावश्यक रूप से अकारण किसी घर में आग लगा देता, कहीं कुछ करता। जैसा नाम वैसा गुण। आत्मदेव जिन्होंने संत से हठपूर्वक संतान मांगी थी, आज परम दुखी हो गए। आज याद आ रही है कि क्या कहा था, कुपुत्रो दुखदायक कहा। अगर कुपुत्र हो गया तो महाकष्ट होगा, इसलिए मत मांगो, लेकिन नहीं माने थे। आज रो रहे हैं, अब हम क्या करें, अब कहां जाएं, अब तो हमारा दुनिया में कोई नहीं, अब कैसे बचेंगे, अब क्या करें। गोकर्ण आ जाते हैं और कहते हैं पिताजी, असारह खल संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतम कश्य धना कश्य स्नेह वांजलिते निशम, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोह तो नरके गति, निपत्यश्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनम ब्रजा। पिताजी ये कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां कोई सुख नहीं है, कष्ट के अलावा कुछ नहीं है पिताजी, यहां जब तक रहोगे घोर नरक में रहोगे, इसलिए सुख चाहते हो, मोह तो नरके गति। पिताजी मोह से नरक प्राप्त होता है, और ये संसार मोह रूप नहीं है, ये बोले विमोह कहा, ये विमोह है। इसमें जब मोह से नरक प्राप्त होता है तो विमोह से क्या मिलेगा समझ लो, घोर नरक मिलेगा ना। इसलिए अगर इससे बचना चाहते हो तो अभी घर छोड़ दो, अभी चले जाओ, सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रजा, सभी कुछ छोड़ करके वन में चले जाओ पिताजी, यदि शांति चाहते हो। जो बन गए वो बन का उल्टा कर दो क्या हो जाता है, बोलो, नव, बिल्कुल नए हो जाओगे ना,
गधे की तरह जो ये भार लदा हुआ ना दबे जा रहे। अच्छा हम हैं क्या? हम गधे ही तो है ना। गधा जो है कभी अपना भार नहीं ढोता, दूसरे का भार ढोते ढोते मर जाता। और हम भी दूसरे का, पुत्र को डीएम बना दे, पुत्री को इंजीनियर बना दे, अब ये इसका विवाह किसी बड़े अधिकारी के साथ कर दे, अब बहू मैनेजर होनी चाहिए या कुछ भी इंजीनियर होनी चाहिए, अब ये यहां पे फ्लैट एक ले लें, ये कर लें, वो कर लें, ये सब इकट्ठा करते करते सीताराम हो जाती है, लेकिन इकट्ठा कुछ नहीं हो। अरे पत्नी भी तो साथ छोड़ जाती है प्यारी। बीमार हो ना, रोगी हो जाओ, ज्यादा रोगी हो जाओ ना, तो 10-15 दिन तो सेवा होती है, मानते। एक महीना जब हुआ तो मम्मी वो पत्नी कहेगी, आप कहेंगे अरे जल्दी आओ भाई, मुझे तकलीफ ही है। अरे बेटी जाओ पापा को देख लो जरा, हम थोड़ा ये काम कर रहे हैं। अरे आई नहीं, अरे तुम ही लगे रहे क्या, घर में नहीं देखे कुछ काम, भेज तो रही हूं बेटी को देखो। और अगर समय लग गया जाने में तो फिर प्रार्थना होने लगती, प्रभु अब इन्हें इन पर कृपा ही कर दो। कोई नहीं है, ये जब विवाह होता है ना तो पत्नी बड़ा अच्छी लगती है, एक साल तक तो चंद्रमुखी लगती है। संत कहते हैं एक साल तक चंद्रमुखी पत्नी, और जैसी एक साल से ज्यादा हुआ, 2 सालें हुई तो फिर सूरजमुखी, और फिर 2-3-4 सालें हुई फिर तो ज्वालामुखी लगने लगती है। बोले हटो यहां से जल्दी, हमारे सामने से दिमाग मत खराब करो, काहे का प्रेम महाराज। नारद भक्त सूत्र में लिखा है प्रेम क्या है, प्रेमम स्वरूपम अनवर्चनीय आह नित नव वर्धमान, जो रोज बढ़े वही तो प्रेम है ना। ये इस परिभाषा है प्रेम की, जो रोज नया लगे, जो रोज बढ़े वो है प्रेम। और होता क्या है, रोज घट रहा है, जितने दिन उतने ही प्रेम कम, तो प्रेम नहीं है ना, सीधी सी बात। गोकर्ण ने बड़ा समझाया, महाराज छोड़ दो ये कुछ नहीं है, छोड़ दिया आत्मदेव ने घर। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवान के परम धाम को सिधार गए, और ये प्रार्थना करते हुए दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा, दशा मुझे दी
भगवन संभालोगे तो क्या होगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आत्मदेव भगवान के परम धाम को गए। आत्मदेव तो चले गए लेकिन ये दुष्ट दुंदकारी अपनी मां को पीटने लगा, मारने लगा, उनको इतना कष्ट देता और कहता कि कहीं से भी लाओ, हमें धन ला करके दो। बिचारी क्या करती मां, जहां से भी मिलता, जहां से भी लेकर के आती, उधार लेकर के मोहल्ले से, संबंधियों से, जिनसे जिनसे था सब से लेकर के उसे दे चुकी, कोई नहीं बचा। लेकिन दुंदकारी नहीं माना, एक दिन रात में मां को पीटने लगा और कहने लगा, जा कहीं से ला करके मुझे धन दे। रोती हुई बोली, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं कहां से ला कर दूंगी, कोई बचा नहीं है जिससे मैंने लेकर के तुम्हें नहीं दिया, अब कोई स्थान ऐसा नहीं जहां से मैं तुम्हें ला करके धन दे सकती हूं। लेकिन दुंदकारी नहीं माना, निकाल दिया घर से, जा कहीं से ला करके दे। मां रोती हुई घर से निकली और एक अंधे कुएं में गिर पड़ी रात्रि में और खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ये सुख है संसार का, समझ लेना। ये कथा हमें दिखाती है कि संसार की आसक्ति दुख का रूप है, समझ ले।
खत्म हो गई बेचारी मां, अब तो दुंधकारी और उच्चंकल हो गया, अब तो और उदंड हो गया। पांच वैश्याओं के साथ रमण करने लगा, उनको घर ले आया और जो कुछ भी धन इधर उधर से चुरा के लाता, जैसे भी लाता, सब वैश्याओं के पास जमा करता। वैश्याओं ने सोचा कि अगर कहीं ये पकड़ गया, ये चुरा के लाता है, इकट्ठा करता है मेरे पास, और अगर इस ये पकड़ गया तो धन भी जाएगा, हमारा सब चला जाएगा और हमें भी कष्ट होगा, तो हम ऐसा क्यों काम करें, हम इसे ही खत्म कर देती। तो सोते हुए दुंधकारी को वैश्याओं ने बांध दिया चारपाई से और गले में फंदा डाल के खींचने लगे। जब नहीं मरा तो वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे उसके मुख पर रख दिए। तो व्याकुलो निधनम गतः, तड़पता हुआ दुंधकारी मर गया। दुष्ट की अंत में गति बहुत खराब होती है, समझ लेना, बहुत खराब होती है। और पिशाच बन गया, गोकर्ण के स्वप्न में आने लगा, कभी भैंसे के रूप में, कहीं गैंडे के रूप में उन्हें डराने लगा। गोकर्ण ने अभिमंत्रित जल से उसको सिंचित किया, वाणी दी, कौन हो, नाना प्रकार के वेशों में मेरे पास क्यों खड़े हो जाते हो रात्रि में। दुंधकारी ने कहा मुझे नहीं पहचान पाया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई दुंधकारी, आपने मुझे नहीं पहचान पाए। गोकर्ण ने कहा अरे भाई, हमने तो तुम्हारे मरने के बाद जितनी स्थान होते हैं सब पर पिंडदान दे दिया था, मैं गया 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 में पिंडदान दिया, हरिद्वार में दिया, हर जगह गया, लेकिन तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। दुंधकारी ने कहा भाई तुम हमें कोई छोटे मोटे क्लास का अपराधी समझते हो, ऐसा वैसा अपराधी समझ लिया, हमारी मुक्ति ऐसे वैसे साधन से नहीं हो सकती, कोई बड़ा करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा था ना कि भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है, तो बड़ा करना पड़ेगा ना। क्या करूं अभी, आप समझो, देखो जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और उसे ही मिलता है। कोई आपको कष्ट दे रहा है, कोई हमें कष्ट दे रहा है, हम क्या करते हैं, कहने लगते हैं यह हमें कष्ट दे रहा है। कोई किसी को कष्ट नहीं देता है। कौ न कौ सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर मां भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को कष्ट नहीं देता है, निज कृत कर्म भोग सब, अपने अपने कर्मों का ही सबको कष्ट मिलता है और अपने अपने कर्मों से ही सबको सुख मिलता है। उसके कर्म ही कारण है, माध्यम कोई हो सकता है लेकिन कारण केवल उसके कर्म है। लेकिन हम दोष किसी पे लगाएं, कोई ईश्वर पे दोष लगाता, अरे भगवान ने बहुत बुरा किया, जबकि भगवान कभी बुरा करता है, इसने बहुत बुरा किया, कोई बुरा नहीं करता है, सब में परमात्मा कारण है।
और उसको किए का अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, अवश्य अवश्य मिलेगा प्यारे, निश्चय मिलेगा। अच्छा देखो कितना सीधा सा उदाहरण है, सीधा सा। दो व्यक्ति जा रहे थे तो एक आम के बाग से निकले, तो एक आम के पेड़ पर बहुत अच्छा सुंदर पका हुआ आम लगा था, तो आंख वहां गई, आम को देखा, बहुत इच्छा चली कि इसे खा लें, लेकिन आंख तो जा नहीं सकती, जा सकती बोलो, आंख देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो अब जाए कौन? तो पैरों ने कहा हम चले जाएंगे, चले। अब पैर जा तो सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तोड़ सकते हैं पैर? नहीं तोड़ सकते। तो हाथों ने कहा ये काम हम कर देंगे, तो पैरों से आंख ने देखा, पैरों से गए, हाथ ने तोड़ दिया, लेकिन हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते। तो मुंह ने कहा कोई बात नहीं, खा हम लेंगे, खा मुंह ने लिया, तो मुंह ने कहा खा तो सकते लेकिन हम स्वाद नहीं ले सकते, तो जीव ने कहा तुम चिंता मत करो इसकी स्वाद हम ले लेंगे। देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीव ने, जीव ने कहा हम स्वाद ले सकते हैं भाई लेकिन इसको रख नहीं सकते, तो पेट ने कहा चिंता मत करो हम रख लेंगे। तो देखा आंख ने, गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, स्वाद लिया जीव ने, रखा पेट ने, तब तक आम वाला आ गया, बाग वाला। उसने कहा एक इतना अच्छा आम हमने अपने खाने के लिए छोड़ा था वो भी तूने तोड़ लिया, उठाया डंडा दो पीठ में दिए। Yeah.